हाय एवरीवन, सो यार आई होप कि आप लोगों का क्वारंटीन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने क्वारंटीन को अपने अपने घरों में खैरियती के साथ, और जॉब्स वगैरह पे भी छुट्टियां, घर से लोग काम कर रहे हैं और उसके अलावा घर के आप अपने एक्टिविटीज़ भी कर रहे होंगे, कोई कुकिंग कर रहा होगा, कोई कुछ। सो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाया था क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं इनबॉक्स में और सबको रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें जो है लोगों के क्वेश्चंस जो पूछेंगे उनको आंसर करूँगा। तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ विद नेम, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को आपका नाम लेके उस क्वेश्चन को बोलूँगा और उसका आंसर मैं करूँगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है शाजी केज, इनका नाम है, इन्होंने पूछा कि आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो। अच्छी बातें आप इनको कह लें या लाइफ एक्सपीरियंसेस कह लें, तो वो कहते हैं ना कि इंसान जो है ना डिग्रीज से बहुत कम सीखता है, स्कूल से बहुत कम सीखता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सीख लेता है। तो शायद यही एक रीज़न है कि मैं वो बातें अल्फाज दे देता हूँ अपने जो माइंड में चीज़ें जो चल रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबिर अली का, वो पूछ रहे हैं कि क्या मोहब्बत में कोई बेजार हो सकता है। ये वो बोले कि मैं ऐसा ही हूँ, आदत है मेरी। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसमें बेजारी आ जाती है, आई डोंट थिंक सो। अगर जिस मोहब्बत में बेजारी आ जाए, मेरा ओपिनियन ये है कि वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उदीन एजाज का, वो कह रहा है कि आई डोंट नो वो कह रहा है या कह रही है, मेरा क्वेश्चन है जब लड़की प्यार में सीरियस हो तो लड़का क्या लड़की के साथ गेम खेल जाता है। देखो अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का अच्छा होता है लड़की उसके साथ खेल जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की अच्छी होती है और लड़का उसके साथ खेल जाता है। अब चॉइस इज़ योर्स, और आपने इन सिचुएशन में बहुत स्मार्ट होके, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिव होके, सोच समझ के आपने डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का ये डिसीजन है, लाइफ डिसीजन। बिस्मा सुहेल का क्वेश्चन है कि अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, मैसेज का रिप्लाई देना भी ज़रूरी ना हो उसके लिए, और वो किसी और की बेस्ट फ्रेंड हो जाए तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं। अब देखो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आपकी वो कितनी क्लोज बेस्ट फ्रेंड है। आप पहले तो उससे रीज़न पूछ लो, क्योंकि बातें जब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, डिस्कस नहीं करते हो, हल नहीं होता, हर चीज़ का सलूशन होता है। उससे पूछो कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई ऐसी कोई चीज़ कोई बातचीत हुई है जिसके वजह से उसको ये डिसीजन करना पड़ा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड को चेंज करना इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। तो ऑब्वियसली उसने कुछ सोच समझ के ही डिसाइड किया। तो मेरा सजेशन ये है कि यू शुड डिस्कस इट विद हर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आई थिंक इसको मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। अच्छा, अनीता नवाज का क्वेश्चन है कि आप ऑल द टाइम पॉजिटिव कैसे रहते हो। यार देखो पॉजिटिविटी अंदर से आ जाती है। देखो सबसे मेन चीज़ पॉजिटिव रहने का कि आप दूसरे लोगों से ना एक्सपेक्टेशंस लगाना बंद कर दो। जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा और आप हमेशा पॉजिटिव होगे, कोई नेगेटिविटी आपके जहन में नहीं आएगी। लोगों को अगर माइंड में रखोगे तो वो नेगेटिविटी फैलती जाती है। किसी चीज़ को माइंड में ना रखो और ख़ुद से एक्सपेक्टेशंस लगा दो, देन यू आप इस फॉर्मूला को ट्राई करें, आप बहुत पॉजिटिव होंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर्फ 3 दिन हो गए हैं। अच्छा एक बंदे नीचे पूछा, बोला कि यार अभी तक आपने क्वेश्चन आंसर का वो वीडियो नहीं बनाई। आई हेट इनबॉक्स यू इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प जोसेफ। ये क्वेश्चन तो नहीं है मेरे ख्याल से। एमन का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं खुश नहीं रह पाती, ऐसा क्यों? मेरा बहुत जल्दी मूड ऑफ हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। कोई भी कुछ कहता है तो सेड हो जाती हूँ, सारा दिन उस बात को सोचती रहती हूँ। उसका सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, आप चीज़ें भूलना सीखें। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि हमें जब भूल जाते हैं ना चीज़ें तो हम खुश रह सकते हैं। तो चीज़ें देखो, अल्लाह ने 2 कान क्यों दिए, 1 कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ठीक है। ऐसी बातों को ना यहाँ पर मत रखो, बस सुनो निकाल दो, सुनो निकाल दो। यहाँ पर स्टोर करके रखोगे तो ऑब्वियसली आप सारा दिन बोर हो जाओगे, सेड हो जाओगे। एक बंदे ने क्वेश्चन, सहर का क्वेश्चन है कि इज ट्रू लव एग्जिस्ट? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और बिल्कुल ही एग्जिस्ट करता है ट्रू लव। देखो हर कोई गलत नहीं हो सकता, सो ऑब्वियसली ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, इसीलिए तो दुनिया चल रही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मैं जरा स्क्रॉल करूं ऊपर. अच्छा, अक्सर शहजाद का क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो हमको इतना टाइम नहीं दे तो हमको क्या करना चाहिए. इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ. जो शख्स आपको टाइम नहीं दे सकता, ठीक है, वो आपके साथ जिंदगी क्या ख्वाब गुजारेगा. टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है. आयत नूर का भी सेम क्वेश्चन है कि भाई आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं. मैंने इसको आंसर किया है. जुहैब हीरो का जो क्वेश्चन है, सर जब कोई दिल और दिमाग पर पूरी तरह सवार हो जाते, उठते बैठते जागते याद आए, उसको याद करने से तकलीफ हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए. यार ऐसे सिचुएशन में आपको ना आपको अगेन दिल पे चीजें, कोई ऐसा शख्स ना हो जो कि आपके मूड को, आपके 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 जो फीलिंग्स हैं उसके ऊपर सवार हो. आपकी फीलिंग, यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, ठीक है. किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड बंदे को कोई हक ना देना चाहिए हमें कि वो हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को स्विंग करे. हमारे मूड पे, हमारे इमोशंस पे सिर्फ हमारा हक है, किसी दूसरे या तीसरे बंदे का हक नहीं है. इस बात को याद रखना. अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तहरीम का भी सेम क्वेश्चन है. कह रही है कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं हमेशा. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अफशां का क्वेश्चन है. अफशां कह रही है कि मेरा क्वेश्चन है कि आई फील वेरी लेजीनेस व्हेन आई स्टडी ऑन सब्जेक्ट्स और मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत होती हूँ. When use internet during study, अच्छा distract होती हैं. देखो यार, feelings जब आप distract हो जाती हैं अपने अपनी studies से, तो उसके लिए simple ये कि आप internet, WhatsApp सारा कुछ बंद कर दें, उसके बाद आप study करना शुरू कर दें, ठीक है. और mobile को कहीं दूर store में रखें, तहखाने में रखें, उसके बाद study करना शुरू कर दें. आपका, आपकी जो जो आप active हो जाएंगी, आप concentrate कर पाएंगे अपनी studies के ऊपर. हुमा मीन का क्वेश्चन है कि इनबॉक्स किया तो है, बाकी सबको करें या नहीं, मुझे तो कर दें रिप्लाई, क्योंकि मैंने एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने. आप यहाँ पर पूछ लेते तो मैं आपको आंसर कर भी लेता, आपने यहाँ पर नहीं पूछा. तो ये जो है समरीन का जो क्वेश्चन है, वो कह रही है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, जस्ट मैंने आपको एक कमेंट करना है कि यू आर वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच समरीन. और उसके बाद जो है क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद हुसैन का. अहमद हुसैन कह रहा है कि औरत मर्द में क्या देखकर उससे मोहब्बत करता है. अब औरत मर्द में क्या देखकर उससे मोहब्बत करता है, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि कुछ लोग लॉयल्टी को देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरती को देखते हैं. लेकिन हमें, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें जो है लॉयल्टी को देखना चाहिए कि वो बंदी कितनी लॉयल है हमारे साथ. सो दिस इज़ अप. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे मैं लिंक सेक्शन में अपना, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी है, फेसबुक का भी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, लाजमी सब्सक्राइब करें. आई लव यू ऑल.